ऑड इवन की तारीख जो है अब बढ़ सकती है। फैसला जो है सोमवार को लेंगे अरविंद केजरीवाल। तारीख बढ़ाने पर फैसला सोमवार को लिया जाएगा। प्रदूषण को लेकर केजरीवाल ने पड़ोसी राज्यों पर हमला बोला है, तीखा प्रहार किया है। एक बार फिर से पराली जलाना इसे जिम्मेदार बताया है। जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो फिर से डेंजरस लेवल के ऊपर है प्रदूषण का स्तर, इमरजेंसी के लेवल तक पहुंच चुका है। और इसलिए फिर से एक बार स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार फटकार भी लगाई थी और बार बार पूछा भी जा रहा है कि राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, प्रदूषण का स्तर आखिर इतनी खतरनाक स्थिति पे बना हुआ है, ऐसे में जनता कैसे जिए, ये सरकार जवाब दे। अब दिल्ली सरकार का ये कहना है कि हम सोमवार को फैसला लेंगे। 15 नवंबर तक आपको बता दें ऑड इवन जो है उसे जारी रखा गया था, 4 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक। बीच में थोड़ी राहत ऑड इवन से दी गई थी, गुरु नानक जयंती को भी देखते हुए थोड़ी राहत इसमें दी गई थी। अब सोमवार को फैसला लेंगे अरविंद केजरीवाल, तारीख आगे बढ़ानी है या नहीं। और खास तौर पर यहाँ पंजाब और हरियाणा सरकार पर केजरीवाल ने हमला बोला है। अभी जो अगले 2-3 दिन का प्रेडिक्शन है पोल्यूशन का भी और मौसम का भी, उसके हिसाब से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कल परसों तक इसमें हवा की क्वालिटी के अंदर काफ़ी सुधार होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि ज़बरदस्ती दिल्ली के लोगों के ऊपर कोई किसी तरह की कठिनाई थोपी जाए, तो अभी भी हम लोग नज़र बनाए हुए हैं कल और परसों का, और हम देखेंगे अगर हवा में सुधार होता है तो फिर ऑड इवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज सोमवार को फिर सुबह सुबह हम लोग इस पर निर्णय लेके और तुरंत इसको इम्प्लीमेंट करने की सोचेंगे। तो फाइनल निर्णय जो है वो हम सोमवार को सुबह लेंगे। आज जो पोल्यूशन की हालत है वो बगल वाले राज्यों से जो पराली आ रही है उसके धुएं की वजह से है, दिल्ली के लोगों के पोल्यूशन की वजह से नहीं है। ऑड इवन दिल्ली के लोकल सोर्स को कम करता है। दिल्ली में लगभग 30 लाख गाड़ियाँ डेली सड़क पर उतरती हैं, उसमें अगर ऑड इवन जब हम लागू करते हैं तो आधी गाड़ियां जाहिर है कि वो हट जाती हैं।